सो दूसरी बार हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। अभी मैं शूट करके उठा, मैंने देखा वो वाला कैमरा चल रहा था एंड इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला कैमरा चल ही नहीं रहा था। अब मैंने बोला भाई साहब फिर से करेंगे, ठीक है भाई फिर से करते हैं। तो इधर एक पीडीएफ दिख रहा होगा, तो हम लोग बात करने वाले एम्स ऋषिकेश के बारे में, सारी चीजें इसमें जान रहे होंगे। देखो मैं कुछ चीजों पर नहीं बात करूंगा, पहले बता दूं मैं इस पर नहीं बात करूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शानदार है, तो इसमें बात करने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड बाकी चीजों पे हम लोग बात कर रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ रहे होंगे अच्छे से, प्लस हम लोग ये भी समझ रहे होंगे कि कैंपस के बारे में जान रहे होंगे, प्लस हम लोग ये भी जान रहे होंगे कि और कोर्सेस यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल हैं, प्लस ये कॉलेज में क्या क्या हम लोग फैसिलिटीज हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में जान रहे होंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस हैं, मैं MBBS के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी और कोर्स के लिए देखना चाहते हो तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, राइट। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को, प्लस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में मेरे को लिखो कि तुम्हें और किन यूनिवर्सिटीज का चाहिए, प्लस कैसे वीडियो चाहिए, वो तुम कमेंट कर सकते हो। अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस बताना एंड अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के बारे में भी तुम बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी की। एंड यहाँ पे एम्स ऋषिकेश हमारा 2012 में स्टैब्लिश हुआ था प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। यहाँ पे ये हमारा NABL EACCME से मतलब वो है, ठीक है, एक्रेडिटेड है। यहाँ पे BSc, MSc, MBBS, MPH, MCH, MD, MS, MDS ऐसे कोर्सेस हमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टोटल देखिए हम लोग तो फैकल्टी मेंबर्स 228 फैकल्टी मेंबर्स है, जहाँ पे 6:1 रेशियो है, यानी 6 बच्चों पे एक फैकल्टी अवेलेबल है, ठीक है। ये बहुत शानदार चीज़ है क्योंकि कॉलेजेस में ऐसा होता है कहीं कहीं जहाँ पे पूरे कॉलेज में ही एक फैकल्टी होता है, मजाक कर रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एम्स ऋषिकेश का लोकेशन, तो ये लोकेशन है, किसी को ऐसे घूम के आना है तो घूम के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों एम्स ऋषिकेश में पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि ये हिल स्टेशन है, तो इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते रहो और लोगों को लगेगा तुम कितना वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ कहाँ उसी सेम जंगल एंड पहाड़ों पे जाके डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फोटो क्लिक करके डाल दो, कसोल, मनाली, रामेश्वरम सब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे हिल स्टेशन का नाम डाल दो, किसको पता चलेगा। एंड अगर कोलैबोरेशन देखें तो यहाँ पे निमहांस बेंगलुरु बहुत शानदार कॉलेज है, ये SPGMIS लखनऊ के साथ एंड NIH FW न्यू दिल्ली IIT रुड़की इनके साथ, इनका पतंजलि यूनिवर्सिटी, रामदेव बाबा आपसे मिलने आ रहे होंगे गाइस, मजाक नहीं, ठीक है। तो पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, इनसे इनका मतलब कोलैबोरेशन हो रखा है। आप फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको बॉयज़ हॉस्टल मिल जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएगा, लाइब्रेरी मिल जाएगा, ऑडिटोरियम मिल जाएगा, मेडिकल क्लिनिक क्या होता है, पूरा हॉस्पिटल है अपने पास, एंड स्पोर्ट्स, लाइब्रेटरीज, मेस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे देखें तो आपको एक लाइब्रेरी मिलेगा कि जो कि बहुत ही शानदार लाइब्रेरी होगा, जो आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा आपके कोर्स के दौरान, चाहे वो MBBS हो चाहे दूसरा कोर्स हो। अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं तो वो ये है कि हमें यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, एटेक्स्ट्रा, जो लोग भी सोचते हैं ना कि स्पोर्ट्स कल्चर नहीं होता है मेडिकल कॉलेज में, यार मेडिकल कॉलेज का स्पोर्ट्स कल्चर बहुत शानदार होता है। मेडिकल कॉलेज ही एक इंडिया में ऐसे कॉलेजेस हैं जो टक्कर दे सकते हैं IIT कॉलेजेस को स्पोर्ट्स कल्चर में, फेस्ट कल्चर में, ठीक है, टक्कर क्या, कभी कभी जीत भी जाते हैं, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो यहाँ पे सेमिनार्स आपके बहुत सारे हो रहे होंगे ऑडिटोरियम्स में, यहाँ पे आपको अच्छे खासे मील्स एंड स्नैक्स मिल जाएंगे मेस में, प्लस कोर्सेज देखते हैं तो यहाँ पे BSc, MSc, MBBS बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। हम बात कर रहे होंगे बेसिकली MBBS की, तो किसी और को कुछ देखना है तो वो देख सकता है इजीली PDF में जाके। यहाँ पे 60% हमें एग्रीगेट चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 60% एग्रीगेट चाहिए, राइट। इसमें आप अपना एडिशनल सब्जेक्ट PHE या फाइन आर्ट्स मत जोड़ना, प्लस इंग्लिश मीडियम ही चलेगा या इंग्लिश कंपलसरी है। ये बहुत कमेंट आते हैं और उनको बहुत ख़राब भी लगता है, बट क्या करूँ, अब ऐसा ही है। तो इंग्लिश कंपलसरी है एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके कंपलसरी हैं, चारों का एग्रीगेट 60% होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, प्लस आपका 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए आपके एडमिशन टाइम में, ठीक है, एडमिशन टाइम या एडमिशन ईयर के 31 दिसंबर तक आपका 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें एडमिशन्स की, तो आपका BSc प्रोग्राम्स के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा, फिर मेरिट होगा, फिर काउंसलिंग होगा एंड फिर आप फीस पे करके एडमिशन ले सकते हो। अगर MBBS की बात करें तो आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नीट, UG,
ये करना पड़ेगा और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा, AIQ ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के तहत आपका यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी सिटी से हो, आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही हो रहा हो, जहाँ आपको प्रेफरेंस में एम्स ऋषिकेश को लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये इसका कुछ एडमिशन प्रोग्राम था। अगर स्कॉलरशिप यहाँ पे देखे तो स्कॉलरशिप आर प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज टू द मेरिटियस एंड नीडी एस्पिरेंट्स। तो जो नीडी है उन्हीं को मिल रहा होगा यार, जब नीडी नहीं है यार, 5.8 के फीस है इसकी, ठीक है, 5.8 के 5.5 ईयर्स की फीस है, तो बहुत ही कम नीडी होते हैं इसमें एक्चुअली, तो उन्हें मिल रहा होता है। कैंडिडेट्स हैव टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, दे आर अवॉर्डेड द स्कॉलरशिप अमाउंट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्कॉलर नेम इज भाई, स्कॉलरशिप नेम भी इतना शानदार है, एंडरलॉजिकल सोसाइटी समर स्टूडेंट स्कॉलरशिप। तो ऐसा कुछ स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल रहा होगा। कुछ चीज़ों की मैं इस वीडियो में आपके लिए बात करना चाहूँगा। पहली कि एम्स ऋषिकेश आपका बहुत ही खूबसूरत, हमें पता है जैसा, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल मेरे को लगता है एम्स ऋषिकेश एंड एम्स जोधपुर, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ जो टीचर्स का इनका रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, जो सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा होगा। प्लस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि ये 2012 में इस्टेब्लिश हुआ है, तो इसको 10 साल हो चुके हैं, तो यहाँ से आपके बैचेस पास आउट हो रखे हैं, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्लस सीनियर्स का गाइडेंस मिल रहा होगा, राइट। एंड यहाँ पे करीबन आपको अगर स्टूडेंट्स का बात करें कि स्टूडेंट्स के आसपास का माहौल कैसा था, माहौल तो अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, बहुत कोऑपरेटिव माहौल देखने को मिलेगा। मैंने जितना भी रिसर्च किया इस बारे में, ठीक है, चाहे वो कोरा हो, चाहे किसी एम्स ऋषिकेश के स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे बात करना हो, सबका यही कहना था कि जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है प्लस सीनियर्स का जो बिहेवियर है वो बहुत ही जेंटल है, मतलब जेंटल अब दोस्तों में चलती है थोड़ी चीज़ें, बट ठीक है, बहुत अच्छा बिहेवियर है, माहौल बहुत अच्छा है, कुछ भी ऐसा ख़राब यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेगा। एंड बहुत ही शानदार कॉलेज है, हमें सबको पता है ये चीज़, एंड क्या ड्रीम कॉलेज है ये। तो कमेंट करो अगर ये आपका ड्रीम कॉलेज है तो, या फिर आप कमेंट कर सकते हो कि आपका कौन सा ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ये सारी चीज़ आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक करके जाना, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है यार आपका लाइक देख के, आपका कमेंट देख के। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।